अच्छा फोर्सेस आप लोगों ने बहुत अच्छे से करने ठीक है, बहुत अच्छे से मीन्स बहुत ही अच्छे से करने, क्योंकि वो अब पता चला जी फोर्सेस भी करा रहे तो उसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है फोर्सेस आपको बहुत अच्छे से करने हर तरह के फोर्सेस पढ़ने। आलिया बशीर में भी लिखी है मैंने कहीं इंडिकेशन इसकी वही होती है आपने सेकेंड मेटर्नल होती है फीटल होती है। फीटल क्या होती है कि अगर फीटल डिस्ट्रेस में है फीटल टैकीकार्डिया है ब्रैडीकार्डिया है ठीक है, या मदर की अपनी सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर को शॉर्टन करना है कोई कार्डियक कंडीशन है या कोई मदर को एपिड्यूरल दिया हुआ है ठीक है, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर को शॉर्टन करने के लिए आप फिर फोर्सेस लगाते हो। और फोर्सेस के लिए वही बात है आपकी वीडियो बना रहे नहीं वीडियो बना रहे नहीं बना रहे थोड़ा दफा कर गया हर चीज़ अवेलेबल है। अच्छा और इसके अलावा आपने और क्या इंडिकेशन होगी, मेटर्नल होगी फीटल होगी फुल टर्म पे लगानी है ये भी फ्री टर्म पे नहीं लगानी और वाटर इंडिकेशन में ब्रीफ में तो नहीं लग सकता ना ये लग नहीं हेड पे ये वाले जो फोर्सेस है ना फोर्सेस में कौन से रहते भी पड़े होते हैं जो आपने अक्सर सेक्शन में देखे होंगे ठीक है, लेकिन वो वाला जो है ना प्रॉपर लॉक नहीं हो रहा है इसलिए वो मैं लेकर नहीं आई हूँ। ये कील एंड फोर्सेस है मिड कैविटी रोटेशनल फोर्सेस होते हैं, आपने सारे फोर्सेस पढ़ने हैं रोटेशनल कौन सा है नॉन रोटेशनल कौन सा है ताकि आपको पता चल जाए लगाने आ जाए आपको। इसके हमें स्लाइडिंग भी कहते हैं, ये स्लाइडिंग होता है पहले अगर आपने ऐसे डाला है ना लाइक पहले हमने हेड को फील करना होता है जीरो पे या प्लस वन पे होना चाहिए, ऐसे फील किया हमने हेड को देखा कि उसकी क्या पोजीशन है वो ऑक्सीपिटो इंटीरियर है ठीक है, तो फिर हमने अपने हेड को ऐसे रख के और ऐसे स्लाइड कर दिया स्लाइड कर दिया, फिर उसके बाद हम दूसरा लेकर आते हैं ठीक है और इसको हमने इसके नीचे से लेके जाना होता है यार। वैसे ये ना बिल्कुल ऑब्सोलीट हो चुका है अब ये फोर्सेस करवाएंगे तो ये किस तरह हम लोग ये फोर्सेस लगाए नहीं जाते हैं लेकिन आपको आना चाहिए इसका ठीक है, और ये ऐसे स्लाइड करके नीचे से लेके जाते हैं और अटैच हो जाते हैं बस ये लॉक हो गया। और उसके बाद वही है डाउनवर्ड और अपवर्ड डाउनवर्ड और अपवर्ड उसके साथ हाँ ऐसे साइड से लेके जाएंगे कोई ये हैंड पकड़ ले उसके मुंह के ऊपर रखने से कुछ नहीं होता नहीं ये उस पर बच्चे हेड भी लगाएगा ना पहले हेड की सेंसेशन बीच में तो हम लगाएंगे नहीं अब वो हेड जो होता है वो फ्लैक्स होता है ना उस टाइम पे क्योंकि ये मिड कैविटी रोटेशनल फोर्सेस है हेड फ्लैक्स है उस टाइम उसके फोरहेड पे आ रहा है वैसे भी ये आती है ये इंजरी जो आप बात कर रहे हो ना इससे बहुत इंजरीज आती है इसीलिए तो ये ऑब्सोलीट हो चुका है फोर्सेस अब लगाते नहीं है। तो मैम हमसे स्टेशन पेपर क्या पूछेंगे इसके बारे में ये कौन सा है हाँ ये क्या है आप बताओगे कि ये मिड कैविटी रोटेशनल फोर्सेस है कील एंड फोर्सेस है इसमें इंडिकेशन दिया है सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर को शॉर्टन करना है फीटल डिस्ट्रेस है ब्रैडीकार्डिया है टैकीकार्डिया है या मिकोनियम आ रहा है या कोई ये सारे इंडिकेशन आप बताओगे पहले मैम ये सारा वैक्सीन लगा लेके फिर ट्राई करना है वैक्सीन क्या ये जो ये कब लगा के पहले ट्राई कर लेंगे ना वेंटिलेटर उसके बाद ये लगाना अच्छा नहीं उसकी इंडिकेशन इसकी ऑलमोस्ट सेम ही है इंडिकेशन ठीक है हाँ उसके बाद ही लगेगा ना अगर वो फेलियर हो गया क्योंकि अगर दो दफा लगाया अगर वो फेलियर हो गया नहीं होना चाहिए तो फिर आप ये लगाओगे नीचे डाउनवर्ड किया और उसके बाद अपवर्ड किया और ऐसे इसकी भी जे शेप में मूवमेंट होगी वही बैठो उसकी तरह जे शेप मूवमेंट होती है डाउनवर्ड उसका एक होता है उसका फ्लेक्शन पॉइंट होता है 3 सेंटीमीटर पोस्टीरियर टू द पोस्टीरियर फ्रंटल लेंस 6 सेंटीमीटर पोस्टीरियर टू द इंटीरियर फ्रंटल लेंस ठीक है ना पता है ना इस चीज़ का। और इसके अलावा बस यही बातें फोर्सेस अच्छे से कर लेंगे रोटेशन हाँ मिड कैविटी की रोटेशन मिड कैविटी तक जाता है ना ये जीरो तक ये जाता है तब इंटरनल रोटेशन हो चुकी होती है फ्लेक्शन पे होता है लेकिन फर्दर प्रोग्रेस नहीं हो रही होती लेकिन अगर आपकी इनकम्प्लीट सर्विस की डायलेशन है या प्रीटर्म लेबर है प्री मेच्योरिटी है उसमें आपने नहीं लगाना ठीक है ये इंडिकेशन होती है और खासतौर पे जो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर होती है जैसे ये दाएं हैंडल होती है उसमें भी नहीं आप लगा सकते उसमें होता ही है कि जो दाएं हैंडल होती है ना वो रिपीटेड कर करके पेल्विक और उसका इतना एडिमेटस कर देती हैं वो सर्वाइकल मुकोसा को कि उस टाइम पे हुई फुल डायलेशन हुई होती है लेकिन वहाँ उस टाइम पे कुछ भी नहीं लग सकता फोर्सेस भी नहीं लगते हैं। हमारे पास ये होता है कि वो 2-3 आवर्स का उसे रेस्ट मिल जाता है उसका डीमा रिजॉल्व कर जाता है फुली डायलेट हो जाती है उधर आके डिलीवर हो जाती है वो कहते हैं हाँ जी उधर ही उन्हें तो काम फंसाया हुआ था और वो कर्शी केयर में जाकर डिलीवर हो जाती है।
तो असल मसला ये होता है, एडिमेटस हो जाता है वो, मतलब इस चीज़ को भी सेस करना है कि फुली डायलेटेड है या नहीं है, ठीक है। और अगर फुली डायलेटेड है भी है तो इज इट एडिमेटस, ये थोड़ी ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हैं ये बातें। और इसके अलावा आपको क्या बताना था? अच्छा, आजकल ना एक्चुअली ये भी यूज़ हो रहा और ये भी कम यूज़ होता है आजकल, कीवी कप यूज़ हो रहा है। कीवी कप आपने देखा होगा, कीवी कप देखा ना, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब मुझे नहीं पता कि आपके सिलेबस में मेरी बात हो रही है, पहले प्ले ग्रुप में आप क्या करेंगे, अगर फंस जाएगा तो ये बैंडूस लगाएंगे, ठीक है, ये भी नहीं चलेगा, फिर आप कीवी कप लगाते हैं। कीवी कप वो मैं यार बैंडूस लगाएंगे या कीवी कप लगाएंगे, ठीक है, अगर क्योंकि उसके भी फेलियर है ना, अगर दो दफ़ा वो भी नहीं चल रहा तो फिर हम ये लगाएंगे, फोर्सेप्स लगाएंगे, फोर्सेप्स लगाएंगे, फिर इससे हो जाता है, हो जाता है। वैसे एक बात बताऊँ, कीवी से बहुत अच्छा डिलीवर हो जाता है, इसकी जरूरत नहीं पड़ती, इनकी इनकी बैंडूस की भी जरूरत होती है, कीवी से बहुत अच्छा होता है, कीवी बेस्ट है। कीवी का भी मोटा मोटा पढ़ लेना कितना प्रेशर देना है और ये वो, क्योंकि हमारे टाइम पे तब तो कीवी स्टेशन में एडेड नहीं था, और अभी भी जो मुझे टॉपिक्स बताए हैं ना वो अभी ये सिक्स ही हैं, फोर सिक्स को इंक्लूड करके, इसका मतलब है कि ये टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना है, ऑब्जर्व इसी में से आएगा। पर एब्डोमिनल जनरेशन तो बहुत अच्छा करना है, एसओपीज का ख्याल रखना है, अपने हैंड को सैनिटाइज करो, ग्लव्स पहनो, अपने पास चीज़ें लेके जाओ जिसमें आपकी वो है, मेजरिंग टेप है, फीटोस्कोप है, ब्रीच ब्रीच के मिनोवर्स आपको आने चाहिए, लेकिन ऐसे आपको ऐसे डिलीवर नहीं कराएंगे, शोल्डर डिस्ट्रोशिया भी आपसे करवाएंगे नहीं, लेकिन उसके मेनोवर्स आपको सारे आने चाहिए, हेल्पर वो जो उसका सही है ना, हाँ वो एक बंदा उसके रिवाइज कर दे, बाकी सबका भी रिवाइज हो जाएगा।